अब हम स्मरण की बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, स्वीकार करेंगे एक को और बाबा के मुख से सुनेंगे, याद रखेंगे। जिस संकल्प को हम बार बार करते हैं या स्वनाम के संकल्प को बड़े दिल से करते हैं, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। आप अपने घर को शांति कुंड बनाना चाहती हैं, घर में बैठकर अभ्यास करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, किरणें फैल जाएंगी पूरे घर में, इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको घंटों करने की भी जरूरत नहीं। आधा मिनट, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से पूरे घर में किरणें फैल रही हैं। सभी को घर घर को मंदिर बनाना है ना, हमने संकल्प दिया। साधनाएं करनी होंगी, बहुत माल है इधर, सिखा भी करना है, थोड़ा नहीं है। तरे सब जन्मों से न जाने क्या क्या भरा है, केवल पाप करने ही और बहुत गंदगी भरी है, गंदे विचार भरे हैं कईयों ने, वो आत्मा को सुखी नहीं होने देता। जिस मन में ईर्ष्या है, किसमें वैर भाव है, जिस मन में इनके ओर संकल्प उठते हैं, जिसके अंदर वासनाएं बहुत भरी हैं, उन्हें चैन नहीं होगा। इस बुद्धि में, ये बुद्धि हमारा पात्र है, हमें इसमें वरदान सनाने हैं। कुछ बातें कुछ आत्माओं की बुद्धि से परे है, फिर भी मैं कह रहा हूं, आप में से कई बहुत अच्छी आत्माएं यहां रखी हैं। इस बुद्धि में हमें वरदान सनाने हैं जो संसार का कल्याण करेंगे। बाबा ने बोल दिया और करेंगे प्रैक्टिस, तुम विघ्न विनाशक हो, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। एक भी आप में से कोई ये काम करने लगे, एक केवल वरदान चित्त में समान ले बाबा का, विघ्न विनाशक बन जाए, तो एक आत्मा ही पूरे कानपुर के विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक है,